भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है तथा ऐसी मान्यता है कि जब जब मानवता पर किसी भी प्रकार का संकट आया तब आध्यात्मिक शक्तियों ने अवतरित हो विश्व की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की तथा अपने त्याग तपस्या व सेवा के बल पर समाज को नई दिशा दी। ऐसी ही महान विभूतियों में से एक थे ब्रह्मा बाबा। इनका जन्म सन 1876 में एक प्रधाना अध्यापक के घर में हुआ था। इनका बचपन का नाम लेखराज था। बचपन से ही उनमें भक्ति भाव के संस्कार विद्यमान थे। बचपन से ही इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की खोज शुरू कर दी थी। अपना जीवन यापन करने हेतु इन्होंने हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू किया। समय के साथ वह कलकत्ता के नामचीन हीरों के व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते थे। वह जरूरतमंदों को भरपूर करते थे। सन 1936 की उम्र के उस पड़ाव में जब सामान्यतः सभी लोग सेवानिवृत्ति की तैयारी करते हैं तब इन्होंने वास्तव में अपने जीवन के एक सक्रिय और आकर्षण पड़ाव में प्रवेश किया। गहरी आध्यात्मिक समझ और साक्षात्कारों की श्रृंखला के पश्चात इन्होंने एक सशक्त आकर्षण एक प्रकाश पुंज को अपने भीतर महसूस किया। तत्पश्चात इन्होंने अपने व्यवसाय को समेटने का संकल्प लिया। इन्होंने एक क्षण में अपनी चल अचल संपत्ति माताओं व बहनों का एक ट्रस्ट बनाकर उन्हें मानव सेवा हेतु सौंप दी। इन्होंने अपना समय शक्ति और धन इस विद्यालय की स्थापना अर्थ खर्च किया जो बाद में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना। सन 1937 से 1938 के बीच करीब 400 माताओं बहनों व भाइयों का एक संगठन बना जो ओम मंडली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा के अटूट परमात्म निश्चय सभी के प्रति निश्चल प्रेम दिव्य पालना व गहन तपस्या के बल पर काफिला बढ़ता गया और आज वह छोटा सा संगठन विश्व के 144 देशों में अपनी 10,000 शाखाओं के माध्यम से वट वृक्ष की तरह फैल चुका है। भारत भर में अनेक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की स्थापना में मार्गदर्शन करते हुए 18 जनवरी 1969 को इन्होंने अपनी भौतिक देह का त्याग कर दिया और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। मधुबन में स्थित शांति स्तंभ उनके जीवन और कार्यों की एक श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित किया गया है जो एक सामान्य व्यक्तित्व दादा लेखराज से अति महान व्यक्तित्व प्रजापिता ब्रह्मा को प्राप्त करने का प्रतीक है। यही शांति स्तंभ जीवन के गहन सत्यों को छूने की चुनौती स्वीकार करने का अद्भुत मिसाल साबित हो रहा है। ऐसे दिव्य परिवर्तन के अग्रदूत प्रजापिता ब्रह्मा का पुण्य स्मृति दिवस 18 जनवरी को मनाया जाता है। उनके 52वें पुण्य स्मृति दिवस पर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प ही उनके प्रति आस्था और श्रद्धा का अर्पण है। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ओम शांति।